चब आएगी अभी, यू हैव टू वेट फॉर 5 or 7 minutes. काली मिर्च करी अंग्रेज अनार. हेल्दी लोग हैं, हमें हेल्दी खाना सिखा रहे हैं. यस यस. और बुनू अपनी मामी को देख रही है. हाँ ओ सारे फ्रूट्स लेने गए हैं तो ये पहले अभी अनार को ग्राइंड करके रख रही हैं. अरे भाभी जी हमें खिलाएंगे स्मूदी. और ये रहा सैमा. सैमा सैमा क्या ढूंढ रहा है बाबू? चॉकलेट मैंने ऑर्डर कर दी, आ रही है. क्या बोलता है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा. आएगी अभी, यू हैव टू वेट फॉर 5 or 7 minutes ओनली. ओके आ जाएगी अभी. यहाँ रखा है सांभर बनने के लिए, क्योंकि भाभी जी को खाना है सांभर इडली. तो इडली नीचे मम्मी बना रही हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सांभर. राम राम मेरी सखियों. तो आप सभी का स्वागत है समायरा धीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में. इंस्टाग्राम पे तो आपने देख ही लिया था कि भाभी जी आई हैं, मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी और आपने उस मेरी इमोशनल मोमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत सपोर्ट किया, मुझे ब्लेसिंग्स दी, अपनी गुड विशेज़ दी भैया भाभी और बच्चों के लिए. उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच. और भाभी ने बनाई थी फ्रूट स्मूदी, वो मैंने रील डाली थी इंस्टाग्राम पर और इतने सारे मेरे पास DMs और कमेंट्स आए हैं कि हमारे साथ उसकी रेसिपी शेयर कीजिए. तो देखिए सारे फ्रूट्स उन्होंने इसमें डाले थे, एप्पल, पोमेग्रेनेट, बनाना और एवोकाडो और क्या था, ब्लूबेरी थी, ब्लैकबेरी थी और स्ट्रॉबेरी थी और मतलब काफ़ी सारे फ्रूट थे जो जो मुझे याद आ गया मैंने बता दिया. और इन्होंने सारे फ्रूट मोटे मोटे चॉप करके जार में डाल लिए. उसके बाद इन्होंने उसमें थोड़ी सी दही डाली थी. ड्राई फ्रूट में अखरोट, अलसी, मगज, खरबूजे के, तरबूज के भी उसके पम्पकिन सीड, ये मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे और पानी में, और जिस पानी में भिगो के रखे थे वो पानी समेत ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए. इसको जो स्मूथ टेक्सचर देने के लिए उन्होंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था. इसमें एक तो दूध नहीं डाला था, एक शुगर नहीं डाला था. थोड़ा सा मीठा टेस्ट देने के लिए उन्होंने इसमें थोड़ा सा ही शहद डाल दिया था और उसको बहुत अच्छे से कर दिया था ब्लेंड. तो बच्चे हम सब भाभी के साथ लगे हुए हैं और बुन्नू को आना है मम्मा की गोदी में, क्योंकि जब घर में कोई गेस्ट आता है ना तो उसे मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है. तो देखिए यहाँ पर ये सारे बहुत फाइनली भाभी जी इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर रही हैं. तो यही है स्मूदी, ये जूस नहीं था, ये स्मूदी थी. और मैंने मतलब पी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी. ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो रात को भिगो के रखे थे. तो मैंने भी पिया, बच्चों ने भी पिया, मम्मी ने भी पिया, सब ने पिया था. गरिमा थी नहीं, गरिमा अपनी मम्मी के घर गई थी, छुट्टी थी बच्चों की. तो यहाँ पर स्मूदी बनकर हो गई है तैयार. और यहाँ पर अभी क्या है, भाभी जी बच्चों के लिए ग्लास भी वो करेंगी. प्रेजेंटेशन देखना कितनी अच्छी है. और एक और बात, मेरी भाभी शेफ़ हैं मेटा न्यूजीलैंड में, रीड आउट करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर वो शेफ़ हैं एंड शी इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली गुड कुक. तो अभी आने वाले व्लॉग्स में मैं उनके हाथों से बनी हुई काफ़ी सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो चलिए इंजॉय करते हैं ये वाला व्लॉग. ले से कर देना, कपड़े से कर दे. देख वो उसमें पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी. कैसी बेटो? मैं टेस्टिंग नहीं कर रही हूं. तो फिर क्या कर रही है? वाह वाह वाह, सारे दिखा दो दे मेरी कैमरे के सामने. बिना नहाए धोए हमारी पार्टी चल रही है. कोई बात ना, चलता है, होता है कभी-कभी. ये तो ड्रिंक है. बहुत टेस्टी है.
ये ना ग्रेवी, ग्रेवी नहीं भूलते, उस सॉस भूलते हैं। सॉस या काली मिर्च? करी। करी, अंग्रेज। ये बच्चा है जिसको हिंदी बहुत कम बोलनी आती है। हाँ। इंग्लिश ही मारता रहता है, अब इसको थोड़ी हिंदी बोलने दो आप। टूटे फूटे शब्द सुनाता रहता है। क्या कर क्या रहा है तू? देख देख, फेस भी क्लीन नहीं किया खाना खा के, है नॉटी। ओहो 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 तूफान। क्या हुआ भैया? दे दो। अब हम तो खेल गए, अब पास दिखा दो पास। अब हम तो खेल गए ना। ऐसे ऐसे किक करो। दे दे सारू। मम्मा हाँ, हमारी शादी के कार्ड पे ऐसे गणेश जी के बने होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम गणेश जी से ही करते हैं, गणेश जी का नाम लेके करते हैं। हाँ मैं बोल रही हूँ, बोलो समायरा। अच्छा ये तेरी बॉल है, वाह। दे दे सारू। दे ओ आप, दे ओ मैं नहा लेती हूँ। मिठू की पूरी सेवा चल रही है, वरना मिठू का ही की सेवा ना कर रहे। भाई की सेवा कर रही है भाई मिठू। वाह वेरी गुड, तू तो बड़ी हो गई। समर्थ व्हाट यू हैव टू से टू दीदी? थैंक यू। है लाउडली थैंक यू दीदी। दीदी को हग कर ले, ठीक है। चमक की डोल रही है। बाय, अब मिलेंगे कल। ठीक है, थोड़ा ट्रीटमेंट्स वगैरह कराने हैं, वहाँ तो इन्हें टाइम मिलता नहीं है। यहाँ पे हम इनका थोड़ा मेकओवर करेंगे फॉर द अपकमिंग फंक्शन। वो मैं आने वाले ब्लॉग्स में पूरी करूँगी। घर में क्या करा रहे हैं मम्मी पापा जी, भाभी जी और भैया के हाथ पे। मम्मी से बोलो, मम्मी से। मम्मी जा रही है भाभी जी। लेटर और लेटर अच्छा निकाल देना। दादी अम्मा को बाय बोलो। पैर छुओ, पैर तो छुओ। पैर छू ले, गंदे पिटाई कर। पता ही नहीं, कोई बात नहीं। बाय भाभी जी, कल मिलते हैं। कल आ जाना ठीक है, कैब से ही आ जाना। मैं बुक करा दूंगी अगर ना हो तो। बाय सैमा, बाय बाय बेटा। ये नहीं सुनता। बाय बाय बाय। अभी यही है, चलिए हमेशा कल देखना आज कैसी हो रही है। ये ड्रेस मेरे को मेरी मैंने बना के दी है, क्योंकि आज मेरे को जाना है एक शादी में, तो मैं करके देखूंगी इसे ट्राई और फुल लुक मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूंगी शाम को। अभी ऐसे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, ये पूरा ना फ्रिल वाला ऐसे दुपट्टा बनाया है, तो मैं इसको ट्राई करके फिटिंग वगैरह देखती हूँ। कोई कमी पेशी होगी तो अभी हो जाएगी, जो शाम को ही जाना है।
तो मैं सीधा आपको मिलूंगी शाम को, क्योंकि मेरे को नहाना धोना सर धोना बहुत टाइम लग जाएगा। तो मिलते हैं दोबारा शाम को। तो 6 बजे प्रियंका आ गई थी मुझे रेडी करने के लिए, क्योंकि 8 बजे के करीब मुझे जाना था शादी में गुड़गांव। तो मुझे टाइम से ही रेडी होना था, क्योंकि 2-4 रील्स भी बनानी थी। सोचा तो यही था लेकिन रील्स बन नहीं पाई थी, क्योंकि टाइम लग जाता है बच्चों के साथ ना, वो सारा मेकअप का सामान छेड़ रही होती हैं मिठू और सारू। और प्रियंका का तो आपको पता है मैं हमेशा उसी से मेकअप करवाती हूँ अपना। बंदर है बंदर, मत कर मत छेड़ना मिठू। मिठू डोंट टच, आई एम डूइंग समथिंग। मम्मा इतना अवॉइड लार्जेस्ट ब्रश, व्हिच वन? दिस वन, पूरा सिंगल जॉइंट ब्रश, दिस इज नॉट लार्जेस्ट ब्रश। माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं एक शादी में आई थी इनके साथ ए डॉट गुड़गांव में। बड़ी ही अच्छी सी जगह थी, बहुत ज़्यादा स्पेशियस थी, काफ़ी लोगों की गैदरिंग थी। और देखिए मैं किससे मिली, मैं मिली हिमांश कोहली से, जो कि मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मैं इनसे पहली बार ही मिली हूँ। उसके बाद मैं मिली शेरा जी से, सलमान खान के बॉडी गार्ड। मैं इतनी खुश हो गई इनसे मिल के। मैं थोड़ी देर ही यहाँ पर रुकी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकी, क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल था और तो मुझे उठना था टाइम से, बच्चों का लंच प्रिपेयर करना था। तो यहाँ की जगह के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रिपरेशन कह रही हूँ, डेकोरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी। और बुन्नू कॉन्टिन्यूसली बैकग्राउंड में, आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो देख लो एडिटिंग का क्या हाल होता है। अब नहीं सुनती ये लड़की किसी की भी ना। तो मैंने जो ड्रेस पहनी थी उसकी डिटेल मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो चलिए इंजॉय कीजिए जितना थोड़ा बहुत व्लॉग ही रहता है। सीधा कपड़े वगैरह चेंज करके सीधा सो गई, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं तो पहले आ गई, ये तो लेट आए हैं थोड़ा कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूं। तो अभी मेरा टाइम हो गया है ये ब्लॉग एंड करने का। थैंक यू सो मच भाभी भैया बच्चों के लिए, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुड विशेज़ मुझे दी हैं थ्रू कमेंट्स मैसेजेस, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। अब बैक टू बैक कोशिश करूँगी ब्लॉग्स डालने की, और बहुत मज़ेदार होने वाले हैं आगे आने वाले ब्लॉग्स। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, और हाँ मेरी इस ड्रेस की डिटेल आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे DM करना या फिर कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो चलिए जी मिलूँगी जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं, मुझे जाना है मंदिर। तो अभी मैं करती हूँ ये व्लॉग ख़त्म, और ये बुन्नू शाम बेबी उठ गया है। शे गुड मॉर्निंग शे, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।